मैप पे है, मैप पे और जानते हैं कुछ और बातें। तो आपको सर के चैनल पे विजिट करें। सही में कहा जाए तो आपको जो टाइटल मिला है तो बच्चे लोग के लिए तो काफी अच्छी बात है। वो लोग घूमने भी जाते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ना, उसके बाद बोलना, और उन लड़कों के बीच में जो है तो कोविड बुक या तो कबाड़ी में जाएगी या रद्दी हो जाता है। हाँ, तो लोग का हम लोग क्लिप कट तो कर नहीं सकते क्योंकि सबका प्यार सर के लिए इतना था। सो सर कुछ बताइए, यहाँ लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज है इतने कम प्राइस में, मतलब ये लाइब्रेरी चला रहे हैं क्यों, क्या वजह है? कुछ अभी डोनेट वाला कुछ बात चल रहा है। हाँ, तो मैंने कुछ आपको डर नहीं लगता? हम लोग डर क्यों हो सर? उनका लाइब्रेरी और इसके थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पर जाके मिल चुके हैं सारे स्टूडेंट लोगों से, और नीचे जितने भी फ्लोर्स हैं उसमें स्टूडेंट लोगों के रहने की सुविधा दी गई है। तो हम चलते हैं वापस से ऑफिस में और रुद्र सर से थोड़ी बातचीत और करते हैं और जानते हैं कुछ और बातें। सो हम लोग लाइब्रेरी विजिट कर चुके हैं और हम लोग फिर से आए हैं सर से बात करने के लिए। तो हम सर से बात करते हैं और थोड़ा उनसे पूछते हैं कि सर आजकल इतनी महंगाई चल रही है, पेट्रोल के दाम तो एकदम आसमान छू रहे हैं, और फिर भी आप इतने कम प्राइस में मतलब ये लाइब्रेरी चला रहे हैं क्यों, क्या वजह है? मैं उतने में संतुष्ट हूँ इसलिए उस प्राइस पे चला रहा हूँ। और जो वीक फैमिली से हैं, फाइनेंशियल वीक पुअर बोलूंगा उनको, फाइनेंशियल पुअर है, उन बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पे कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए? अरे बच्चे तो हर तरह के आ सकते हैं, कोई भी पीएससी यूपीएससी हर लेवल के बच्चे, बिहार बोर्ड सीबीएसई हूँ, आजकल तो नीट के बच्चे भी आ रहे हैं, आप टेंथ के बच्चे तक आने लगे हमारे पास, जिनके पास घर में सुविधा नहीं है, नीट के जेई के मेडिकल के सब बच्चे, पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं, आप हजारों भरे हुए मेरे पास, तो बच्चे भी आ रहे हैं, आप कहीं से भी आ सकते, कोई रोक तो कोई नहीं। और मतलब सुनने बहुत सारे बच्चे बोले कि जिनको अगर फी देने में प्रॉब्लम होता है तो आप फी भी माफ कर देते हैं। बिल्कुल माफ करने का जवाब नहीं, बट हमारा फी भी बहुत कम है, 200, 300, 400 या 500 में हमारा 24 घंटा हो जाता है, फी कुछ हाई नहीं है कि माफ करने का जवाब ही नहीं पड़ता, बच्चे खुद खुश है। और मतलब ये जो आप टाइम लिमिटेशन रखे हैं, मतलब किसी का कोई लिमिट नहीं है कभी भी आके पढ़ना? जैसे शेड्यूल डिवाइड है, अगर लिमिट ना रखने पे क्या होता है ना, अनडिसिप्लिन हो जाता है लाइब्रेरी, इतने डिसिप्लिन। लेकिन लगा नहीं सर कि मतलब कोई भी अनडिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन में ही लगे। और एक बच्चे से सुनने में आया कि कुछ अभी डोनेट वाला कुछ बात चल रहा है। हाँ, हम लोगों ने बुक डोनेशन का कैंप चालू किया है, आप गूगल पर सर्च करोगे बिहार में या पटना में कहीं नहीं था, हम लोगों ने बुक डोनेशन, जो बच्चे पढ़ चुके हैं बुक, जिनका जॉब हो चुका है या पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो वो ओल्ड बुक या तो कबाड़ी में जाएगी या रद्दी हो जाता है, तो उस बुक को किसी और बच्चे के काम आएगा, तो बुक हम लोग डोनेशन में ले रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी में आप आके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कोई भी आके यहाँ डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, उसका इंस्टाग्राम पेज है, या आप गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्ट डोनेट बुक करके। क्या नाम से बताया? डोनेट बुक, डोनेट बुक से आपको कुछ भी डोनेट करना हो और आपको अगर यहाँ से लेना हो तो, जैसे कि जो बच्चे यहाँ आएंगे, ये लाइब्रेरी के बच्चे या वो, हम लोग डिसाइड करते हैं, हमारा टीम है वो डिसाइड करता है कि हमें क्या देना है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से मतलब यहाँ आके कुछ भी जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो आप यहाँ के डोनेट कर सकते हैं सर के पास, और सर देखेंगे कि उस मतलब बुक का क्या करना है आगे चल के। तो सर कुछ और बताइए लाइब्रेरी के बारे में, मतलब गर्ल्स सबसे बात किया हमने तो गर्ल्स लोग काफी इम्प्रेस है, जो आपको मतलब आपसे बात नहीं की है वो भी आपका काफी तारीफ कर रही थी, तो इसके पीछे क्या राज है, ऐसा क्या आपने जादू कर दिया सबके पीछे सबके ऊपर कि सब लोग मतलब फैसिलिटी हमने सुविधा उस तरह से माहौल बना के रखा है कि आप कहीं से भी आओ आपको अपना घर लगेगा, तो इस वजह से बच्चे खुश रहते हैं, एनर्जी में रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, इस वजह से बच्चे इंस्पायर हैं और तारीफ। हाँ, क्योंकि गर्ल्स लोग कहती है काफी सेफ लगता है, कोई कोई एक स्टूडेंट से बात की मैंने तो उनका 8 बजे तक उनका बैच चलता है। हाँ। तो मैंने पूछा आपको डर नहीं लगता? हम लोग डर क्यों सर के यहाँ डर नहीं, लड़कियाँ 10 बजे तक रहती है, 10 बजे तक भी रहती है, 6 बजे से 10 बजे। हाँ, तो रात के लिए नाइट बैच तो हमने चालू नहीं किया, आगे देखा जाएगा जैसा माहौल होगा, नाइट बैच लड़कियों को भी अलाउड करेंगे, बाकी दिन में 12-16 घंटे लड़कियाँ रहती है, 12-16 घंटे सुबह 6 से रात को 10-16 घंटा होता है जिसमें लड़कियाँ रहती है बहुत सारी, तो सही है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब काफी सेफ फील करती हैं गर्ल्स खासकर। तो और इंटरटेन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आप लोग इंटरटेन करने के लिए मतलब मैच वगैरह लगाते हैं, कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो और भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, हम लोग लाइव मैचेस वगैरह दिखाते हैं, जैसे रात को बच्चों का डिमांड होता है उस तरह से मैच वगैरह गाने वगैरह क्रिकेट का ऑर्गेनाइज करवाते हैं, मतलब बाहर भी ले जाते हैं होता है, तो बच्चे लोग के लिए तो काफी अच्छी बात है, वो लोग घूमने भी जाते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। सो सर कुछ बताइए यहाँ लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटीज है, मतलब गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए?
फैसिलिटी सारे हमारा फुल्ली एसी लाइब्रेरी है, इसमें वाईफाई अनलिमिटेड वाईफाई, आरओ बढ़िया आरओ लगवाते हैं हम लोग, और गर्ल्स के लिए सेपरेट रूम हमने रखा है और कॉमन रूम भी है, उसमें लड़कियां बैठती हैं। दो तरह का फ्लोर है, डार्क रूम सो वीडियो तो लगता है दो तीन पार्ट में जरूर जाएगी क्योंकि ज्यादा लोगों से बात हो गई है, ज्यादा लोग का हम लोग क्लिप कट तो कर नहीं सकते क्योंकि सबका प्यार सर के लिए इतना था कि कट करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वीडियो तो लगता है बहुत लंबी जाने वाली है, तो ज्यादा अब यहाँ की वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। और आपका भी कोई चैनल है बाउंस बैक बिहार से, तो इसका मतलब जितना भी डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, यहाँ का एड्रेस भी कर दूंगी। हाँ, तो यहाँ का ना एक सटीक एड्रेस बता दीजिए जो ये हमारा पोस्टल पर प्रॉपर एरिया पड़ता है, यहाँ पटना जंक्शन से 5 मिनट आ सकते हैं, पटना जंक्शन से डायरेक्ट आप ऑटो लेके और जगनपुर थाना उतरोगे, थाना के जस्ट अपोजिट में रामनगर रोड है, रामनगर रोड में आकर रोड नंबर 4 राइट साइड, यहाँ पोस्टल पार्क चौराहे से लेफ्ट साइड में तीसरा गली है हमारा। ये मैप पे है, मैप पे गूगल मैप पे सर्च करो सबसे इजी है, और नंबर हमारा ऑफिस का नंबर है। हाँ, वो तो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, बाकी आप करोगे ना तो आपको सर के चैनल पे विजिट करें, सर का चैनल है बाउंस बैक बिहार, और थोड़ा अपने चैनल के बारे में बता दे हमारे दर्शक। हमारा चैनल है, हम लोग बिहार को सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं या डेली ब्लॉग बनाते हैं हम लोग, जो भी लाइफ में करते हैं वो डालते हैं, एज ए बिजनेस हम चैनल चला रहे हैं, तो आप लोग आए और सपोर्ट करें, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। और इस हमारे लेवल से जो बच्चे निकालते हैं दरोगा या सिपाही या कोई भी पोस्ट पर, उनका भी इंटरव्यू आपको उसी चैनल पर मिलेगा। सो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप जो अभी काम कर रहे हैं मतलब सही में कहा जाए तो आपको जो टाइटल मिला है गरीबों का मसीहा वो आप पे सूट करता है। थैंक यू सो मच, आपको आने के लिए धन्यवाद, और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एक लड़की होकर बाहर आके मेहनत कर रही है तो काफी बड़ी बात है, और काफी हैट्स ऑफ है आपको पास में, और एक हाथ से कैमरा पकड़ना उसके बाद बोलना, और उन लड़कों के बीच में जो लड़कों को आप जानती हैं इतने बिगड़े बोलना, तो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, बस आप ही लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सो ज्यादा नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर नया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप ना हमेशा मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहूं, और कुछ कुछ बिहार से रिलेटेड मतलब जितने भी वीडियोज हैं जितने भी लोग हैं उन लोगों को उजागर करूं और थोड़ा आप लोग को भी बताऊं। तो यही कहूंगी, शुक्रिया, धन्यवाद, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।